नमस्ते, मैं हूँ श्रद्धा और आज हम बात करेंगे पायल सर्बल शैम्पू के बारे में। ये शैम्पू ऑल टाइप्स हेयर के लिए है, मतलब ये फॉर वुमेंस और मेंस दोनों भी ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल शैम्पू है और ये 400 बॉटल आपको मिलती है फॉर ₹449, मतलब 449 रुपीज़ में। और यहाँ आप इस शैम्पू के फ़ायदे और इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है एंटी हेयर फॉल, रिपेयर्स डैमेज हेयर, क्लीन्स योर हेयर, नरिशिश योर फॉलिकल्स, स्मूथन्स योर स्काल्प एंड कीप्स योर हेयर नरिश। एंड हेयर यू कैन सी इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है एक्सट्रैक्ट ऑफ शिकेकाई, आमला, रीठा, गुरहर फ्लावर, भृंगिराज और मेथी। इस शैम्पू को आप शैम्पू कम हेयर पैक भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि इस बॉटल पे यूज करने का तरीका लिखा है, इस पर लिखा है टेक्स शैम्पू इन बाउल एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड द लेंथ ऑफ योर हेयर, देन मिक्स 1 स्पून ऑफ कर्ड एंड हाफ लेमन जूस इन इट, अप्लाई ऑन योर हेयर, लीव फॉर 2 मिनट्स एंड रिंस ऑफ। मतलब ये शैम्पू हम जब बालों पर अप्लाई करेंगे तब हम इसमें कर्ड एंड लेमन जूस डाल सकते हैं। इससे हमें इस शैम्पू का बेनिफिट तो मिलेगा ही, बट इसी के साथ साथ कर्ड एंड लेमन का भी बेनिफिट हमारे बालों के लिए मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, कर्ड एक नेचुरल कंडीशनर है एंड लेमन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा नेचुरल शैम्पू है। अब हम इस शैम्पू का टेक्सचर देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इस शैम्पू का टेक्सचर। अगर आप इसे ठीक से देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा आंवला, रीठा और शिकेकाई का एक्सट्रैक्ट। जब हम घर पर नेचुरल शैम्पू तैयार करते हैं, मतलब आंवला, रीठा, शिकेकाई से जब हम नेचुरल शैम्पू तैयार करते हैं, तब उस शैम्पू में भी ऐसे ही ब्लैक पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, वैसे ही इस शैम्पू में अगर आप यहाँ देख सकते हो तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे पता चलता है ये 100% नेचुरल है और इससे बाल बहुत ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी होते हैं। अब हम देखेंगे इसे यूज कैसे करना है। जैसे कि इस शैम्पू के बॉटल पर लिखा है टेक शैम्पू इन बाउल एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड द लेंथ ऑफ योर हेयर, देन मिक्स 1 स्पून ऑफ कर्ड एंड हाफ लेमन जूस इन इट। इसी तरह से मैंने इस बाउल में 1 स्पून कर्ड लिया है, कर्ड मतलब दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ लेमन जूस और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा शैम्पू। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल हेयर पैक जैसे। यहाँ आप सोच सकते हो अगर इतनी अच्छी अच्छी नेचुरल चीज़ें हमें हर बार बाल वॉश करते समय मिलेगी तो हमारे बाल बहुत ही सेफ, नेचुरल और हेल्दी घने बने रहेंगे। पहले बालों को पानी से अच्छे से गीला कर लीजिए और फिर ये बना हुआ घोल अपनी बालों के जड़ों में अप्लाई कीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए। और अच्छे से बालों में मसाज करने के बाद नॉर्मल वाटर से बाल धो दीजिए। इस तरह से अगर आप हर बार
ये शैम्पू अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो एक तो आप केमिकल भरे शैम्पू से दूर रहेंगे और अपने बालों को असमय सफेद होने से भी बचा पाएंगे। तो इस प्रकार आप इस शैम्पू का जरूर यूज कीजिए और आपके रिजल्ट्स मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी ही खास वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी किसी खास प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय।